प्रवेश करने जा रहे हैं मंगल आह्वान में। आह्वान का अर्थ होता है आमंत्रित करना परम शक्ति को, पराशक्ति को निमंत्रण देना। ये बांसुरी के माध्यम से इसका राग है। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से देखे तो राग नट्टी और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये राग जोग से बहुत मिलता जुलता राग है। ये जो रचना है मघा गणपति मनसा, ये संत मुथु स्वामी दीक्षिता की प्रार्थना है, रचना है। तो हम प्रकट कर रहे हैं राग नट्टी बांसुरी पर। और अभी जो मैं आपको परिचित कर रहा हूं ये स्वर से, कि कुछ दिन ये स्वर आपके कान में जाने चाहिए। ये बहुत पवित्र नाद है राग का, और इसका जो ताल है इसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में आदि ताल कहते हैं, और इसी ताल को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में आधा तीन ताल कहते हैं। बांसुरी से मंगल आह्वान। बांसुरी के नमस्कार। राइट हैंड या दोनों हाथों से बांसुरी के छिद्र आसमान की ओर रखे जाते हैं, आकाश की ओर, अज्ञात असीम की ओर। ये प्रक्रिया है गांधर्व लोक की दिव्य चेतनाओं से संपर्क बनाने की, संगीत का मार्गदर्शन, संगीत की प्रेरणा, संगीत की शक्ति। भीतर से ध्यान केंद्रित करें ऊपर बांसुरी की ओर। दूसरा स्थान आज्ञा चक्र, बांसुरी का फूक का छिद्र स्पर्श किया जाता है आज्ञा चक्र को, तीसरे नेत्र को, जहां से संगीत की दिव्य प्रेरणा इंस्पायरेशन प्राप्त होती है। तीसरा स्थान नासिका छिद्र, कम से कम तीन उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी के साथ। बांसुरी में उच्छ्वास से संगीत को प्रकट किया जाता है। चौथा मंगल स्थान कंठ चक्र, जहां से ध्वनि की शक्ति प्रकट होती है, दिव्य संगीत की शक्ति प्रकट होती है। ये प्रक्रिया है बांसुरी को जीवंत बनाने की, जिससे हम मंगल आह्वान कर रहे हैं, मंगल शक्ति को, मंगल प्रेरणा को, उस बांसुरी को जीवंत बनाने की प्रक्रिया। छाती का मध्य स्थान बांसुरी का स्पर्श करें। संगीत केवल स्वर और ताल नहीं है, संगीत का उद्भव होता है भाव शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। ये भाव शरीर का स्थान है जिससे बांसुरी को स्पर्श किया जाता है। दोनों हाथों से बांसुरी को उठाया जाता है आज्ञा चक्र के समकक्ष के प्रदेश में या इसके ऊपर। बांसुरी के साथ नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य स्थान के पास। ध्यान का केंद्र रहता है आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। बांसुरी में स्वर प्रकट करने से पहले थूक को निकालना है गले में, गला शुद्ध करना है, साफ करना है, गीला करना है, स्मूथ करना है। मंगल आह्वान राग नट्टी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत से, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से राग जोग, मुथु स्वामी दीक्षिता की रचना मघा गणपति मनसा। सा को लंबाए, जिसका संबंध नाभि केंद्र के साथ है। Thank you.
गले को साफ करके सूंघ के डाले, बांसुरी के बजाने के बाद गला स्मूथ करना जरूरी, नहीं तो गले के मसल्स हार्ड हो जाते हैं, स्नायु इसके तंतु हार्ड होने से गाना मुश्किल हो जाता है, कंठ चक्र की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए थूक का गले में निकालना जरूरी। जिस बांसुरी से हमने मंगल शक्ति को आह्वान किया, मंगल प्रेरणा को आह्वान किया, प्रार्थना की, उस बांसुरी को आदर दिया जाता है। फिर से बांसुरी का फूंक का छिद्र स्पर्श करते हैं। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, जहां से मंगल प्रेरणा प्राप्त हुई, प्रार्थना की, दूसरा स्थान नासिका छिद्र, कम से कम 3 उच्छ्वास, तीसरा स्थान कंठ चक्र, जहां से ध्वनि की पवित्र शक्ति प्रकट होती है, चौथा स्थान भाव शरीर, जहां से संगीत प्रकट होता है, दोनों हाथों से बांसुरी को रखा जाता है आज्ञा चक्र के समकक्ष प्रदेश में या इससे ऊपर। बांसुरी के साथ नमस्कार वंदन प्रणाम की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य स्थान के पास, ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, सम्यक स्थिति का संपर्क, सम्यक शक्ति का संपर्क। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद प्रसन्नता शांति स्वास्थ्य ध्यान भक्ति मैत्री प्रेम करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस स्वभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातः काल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो, ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। The school of spiritual science, अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, the school of divine techniques, अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना,
जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति, परम शक्ति, आद्य शक्ति, तटस्थ शक्ति, सम्यक शक्ति, शुद्ध शक्ति, जीवन संबंधित शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को निजानंद से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी परम संपदा से परिचित करना, जिसका आधार ना कोई परिस्थिति है ना कोई व्यक्ति है। चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, चाहे आप अनपढ़ हो चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आपके पास पद है चाहे पद नहीं है, चाहे आपकी प्रशंसा हो रही है समाज में चाहे नहीं हो रही है, जैसी भी स्थिति है इसके ऊपर परम संपदा आधारित नहीं, जो आत्मिक संपदा है उससे मनुष्य को परिचित करना, मनुष्य को संतोष और शांति के साथ किस तरह से जीवन का परम स्वाद, सर्वश्रेष्ठ स्वाद लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है परमात्मा का विविध रंगों वाला जीवन, अनेक रंग जीवन के परिस्थिति के रूप में, कभी अमीरी कभी गरीबी, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान मिलना कभी अपमान, कभी हार होना कभी जीत, कभी मुनाफा होना कभी खोट, कभी भोजन मिलना कभी ना भी मिलना, पहनने को वस्त्र होना ना भी होना, रहने को आवास मिलना ना भी मिलना, हर एक रंग जीवन की हर एक परिस्थितियों में जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद है वो किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन भी प्रदान करना और ट्रेनिंग भी देना मनुष्य को, ये उद्देश्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। प्रातःकाल का समय आत्मिक स्मरण का समय, नया सूर्य, नई ताजी हवा, नई ताजी भूख, नया दिन नया जीवन, पुराना जीवन समाप्त। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के प्रवासी, हम जिस शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान है ये छेद वाली नाव है, प्रति पल इस नाव में पानी भर रहा है, किसी भी क्षण ये शरीर हमारा साथ छोड़ सकता है, इसीलिए सावधान। ये बात जरूर सच है कि शरीर का भविष्य ना ही कभी मृत्यु से आगे किसी का भी गया है ना ही कभी जाएगा, इसके साथ ये बात इतनी ही सच है कि हमारे में कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है सदा रहेगा, हमारे शरीर के जन्म से पहले भी था और हमारे शरीर के मृत्यु के बाद भी रहेगा, और ये जीवन की सार्थकता उस दिन सिद्ध होती है जिस दिन हम, जिसका नाश संभव नहीं, जिसे कहे तो परम सत्य, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं, जिसका जन्म उसकी मृत्यु सुनिश्चित, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु भी नहीं, अवकाश, चाहे वो बहिर्गामी अवकाश हो, बाहर का अवकाश, अनंत अवकाश, चाहे वो अंतर्गामी अवकाश हो, हमारे भीतर का इंडिविजुअल, आपके शरीर में आपका अवकाश, मेरे शरीर में मेरा अवकाश, फिर भी हम सब
एक ही शक्ति से जुड़े हैं, एक ही शक्ति से, जिसे कहा जाता है परम शक्ति, जिसे कहा जाता है पराशक्ति, जिसे कहा जाता है आद्य शक्ति, जो सदा से है, जो सदा रहेगी, जिसका नाश संभव नहीं। और ये जीवन की सार्थकता उसी दिन सिद्ध होती है जिस दिन हम हमारी आत्मा को समझ लेते हैं, हम हमारी आत्मा को पहचान लेते हैं, हम हमारी आत्मा को पा लेते हैं। उसी दिन इस जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। जब हम निद्रा से जागे, जब भी स्मरण आए तुम्हें, समझ लो तुम भूल गए स्मरण करना, जब से स्मरण आए, जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो और स्मरण आया कि नया दिन अर्थात नया जन्म, जन्म और मृत्यु को किस तरह से जानना है, दिन को हाथ से जाने नहीं देना है। ये जो अवसर है, पूरा दिन मिला है हमें, 24 आवर्स, प्रतिपल मिलता जा रहा है, प्रतिपल मिलता जा रहा है, जीवन जीने का अवसर जो हाथ में है हमारे, उसे खोना नहीं है, उसे ठीक से जीना है, उसे ठीक से जीना है, परिपूर्णता के साथ जीना है। कैसे पता चलेगा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो परिपूर्णता के साथ जी रहे हैं या परिपूर्णता के साथ जी नहीं रहे? कैसे पता चलेगा? जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये मन का क्षेत्र। मन का अर्थ अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ जो कुछ भी है उसमें मैं राजी नहीं, अभी कुछ और चाहिए, ये मन का स्वभाव लक्षण। इसीलिए तो मन से कितना ही काम करो, मन सदा, मन का स्वभाव समझो, छेद वाला भिक्षा पात्र, जिस भिक्षा पात्र में छेद है ऐसा भिक्षा पात्र, हजार भरता जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, फिर भी असंतोष वही का वही। असंतोष का संबंध आत्मा से नहीं, समझना, जहां भी असंतोष है, चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, हमें समझना है असंतोष का संबंध मन, मन का अर्थ अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ जो कुछ भी है उसमें मैं राजी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, जीते जाते हैं, परिपक्वता बढ़ती है अनुभव से, जिसे हम कहते हैं जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये विस्तार। इसे तुम दुख का विस्तार कहो तो दुख का विस्तार, इसे तुम अज्ञान का विस्तार कहो तो अज्ञान का विस्तार, ये इसका प्रागट्य, इसका प्रागट्य। मैं तुम्हें समझा रहा हूं आत्मिक विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ये जो सारा प्रागट्य है, दुख का विस्तार, इसका संबंध आत्मा से नहीं, इसका संबंध मन से। परिपूर्णता के साथ जीने का अर्थ है क्षण को पूर्णता के साथ जीना, पूर्णता के साथ। उदाहरण, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप 100% मुझे सुन रहे हो, 100%, 100%, कुछ भी आप अपनी तरह से ना तो ऐड कर रहे हो, ना तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ना तो इसमें कुछ डाल रहे हो अपनी ओर से, ना तो कुछ इसमें से निकाल रहे हो, जो भी वाणी प्रकट होती है, तुम्हारे कान को छूती है, इसको अगर तुम पूरा सुनो 100%, ये बदल जाती है दर्शन की शक्ति में,
दर्शन। जो कुछ तुम देख रहे हो उसे तुम 100% देखो, 100% विचार पैदा नहीं होता भीतर। विचार का संबंध, विचार का क्षेत्र मन। 100% तुमने देखा, 100% तुमने देखा, 100% तुमने सुना, तो ये शक्ति बदल जाती है दर्शन की शक्ति में, विचार समाप्त हो जाते हैं। और दर्शन की शक्ति हमारे भीतर जहां से प्रकट होती है, इसका प्रागट्य का स्थान है तीसरा नेत्र कहा जाता है। शिव ने यह नाम दिया भगवान शंकर ने, तीसरा नेत्र, या इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का अर्थ है प्रतिपल जिस तरह से हमारा शरीर चलता है, भौतिक शरीर, प्रतिपल सांस मिलती है, प्रतिपल सांस। सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम रूप में अगर हमें जीवन को समझना है तो एक सांस और एक उच्छ्वास के बीच का जीवन का विस्तार, सांस का भीतर आना जीवन प्रकट होना, उच्छ्वास का बाहर जाना मृत्यु होना, प्रतिपल जीवन और मृत्यु की घटना हमारे साथ प्रतिपल हो रही है। तुम जीवन और मृत्यु की घटना को ठीक से समझो तो है क्या? जब भी हमारा जन्म होता है हम सांस आती है, सांस हमारे भीतर, और पूरा हमारा सिस्टम चालू हो जाता है प्रज्वलित, बॉडी शरीर। और जिस दिन हमारी उच्छ्वास बाहर जाती है और बाहर ही ठहर जाती है, फिर हम वापिस नहीं ले सकते सांस को, उसे हम कहते हैं मृत्यु, मृत्यु घटित हो जाता है। और सूक्ष्मतम रूप में हम देखें तो प्रतिपल सांस आती है, नई ताजी सांस प्रतिपल मिलती है। प्रतिपल जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, ऐसे तत्वों के साथ उच्छ्वास बाहर निकल जाती है। उसी तरह जो दिव्य प्रेरणा है, दिव्य मार्गदर्शन है, दिव्य का अर्थ है प्रकाश, हमारे भीतर ज्योतिर्मय जगत है, ज्योतिर्मय। जिस तरह से हमारा भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, इसी तरह से हमारे भीतर प्रकाशमय जगत है। इसका संबंध परम प्रकाशित जगत से है। हमें प्रेरणा प्राप्त होती है प्रतिपल। जीवन की जिसे हम समस्या कहते हैं, जिसे हम समस्या, तुम ठीक से समझो तो वो समस्या है क्या? उकेल प्राप्त नहीं हो रहा है। समस्या का इतना ही अर्थ है, जिसे हम कहते हैं समस्या, जीवन की प्रश्न, जिसका संबंध है मन से। जब तक मन है, इच्छा है, विचार है, तब तक तुम हजार कोशिश करो, तुम एक समस्या में से निकले दूसरी समस्या चाहो, दूसरी समस्या में से निकले तीसरी समस्या चाहो। तुम देखना, तुम कभी ऐसे व्यक्ति को मिले आज तक जिसको समस्या ना हो, कोई जीवन में समस्या, कोई प्रश्न ही ना हो? और अगर प्रश्न नहीं है उसके जीवन में, समस्या नहीं है, ना फरियाद है किसी व्यक्ति के प्रति, ना कोई परिस्थिति के प्रति फरियाद है, ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उसका जीवन देखना। मन विलीन, मन की शक्ति, विचार की शक्ति बदल जाती है प्रकाश की शक्ति में। विचार जो है ध्वनि और प्रकाश का जोड़ है विचार। जैसे विचार समाप्त होता है, ये शक्ति प्रकाशमय क्षेत्र के साथ संलग्न हो जाती है, संबंधित हो जाती है। और जो ध्वनि की शक्ति होती है वो भीतर के अवकाश का ध्वनि, जिसे हम कहते हैं ओंकार, अनाहत नाद, जो प्रतिपल प्रकट होता रहता है हमारे भीतर से,
हम उसे जाने हम उसे ना जाने, हम उस पर ध्यान दे न दे, ये अविरत चालू ही रहता है हमारे भीतर। मैं जो बात करने जा रहा हूं विषय, वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। धर्म जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेने का मार्गदर्शन, कि प्रतिपल हर परिस्थिति में जीवन को किस तरह से जीना है, इसका जो मार्गदर्शन है इसे कहा जाता है धर्म। समझ विचार नहीं है, समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। एक विचार प्रकट हुआ, फिर दूसरा विचार प्रकट हुआ, इसके बीच की जो जगह है, स्पेस बिटवीन टू थॉट्स, इज कॉल्ड समझ। उसका दूसरा नाम ज्ञान, उसका दूसरा नाम आत्मा का संपर्क। आत्मा का अर्थ अंतरावकाश, इसके साथ का संपर्क अर्थात समझ। जब तक विचार है, जब तक विचार है, हमारा संबंध नहीं बनता आंतरिक शक्ति के साथ, आत्मा की शक्ति के साथ हमारा संपर्क नहीं बनता। दिव्य प्रेरणा प्रकट भी होती है तो भी हम समझ नहीं पाते हैं मन के कारण। जैसे 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 मन विलीन होता जाता है, मन विलीन, ऐसे ऐसे हमें दिव्य प्रेरणा का पता चलता है, कि मार्गदर्शन का पता चलता है कि इस समस्या में मुझे करना क्या है। इसके लिए तुम्हें विचार में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह दर्शन का मार्गदर्शन है, भीतर के दर्शन की शक्ति का मार्गदर्शन है। क्योंकि जैसे विचार विलीन हो जाते हैं, जीव का संबंध बन जाता है प्रकाशमय जगत के साथ, ज्योतिर्मय जगत के साथ, जिसका उद्भव स्थान है तीसरा नेत्र, या जिसका स्थान है आज्ञा चक्र। क्या परमात्मा कोई व्यक्ति है? जिस तरह से हम हैं ऐसे कोई व्यक्ति है? वो कहीं बैठा है कोई आकाश में बादलों के पीछे, बाहर है वो कहीं परमात्मा? अगर परमात्मा व्यक्ति है तो उसके साथ हमें कैसे संबंध बनाना है? अगर परमात्मा कोई व्यक्ति है तो क्या जरूरी है हमारा संबंध उसके साथ बनना? अगर ना बना संबंध, क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में? ये प्रश्न समझ के लिए है। धर्म जड़ता का पर्याय नहीं, मैं कहूं और तुमने मान लिया, ये धर्म नहीं। धर्म का अर्थ है अनुभव, विज्ञान। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को जो भी सिद्धांत है, जीवन संबंधित सिद्धांत है, तुमने जाना कोई भी सिद्धांत को, जैसे मैं कहता हूं आज्ञा चक्र, तो तुम्हें प्रयोग करके देखना है कि आज्ञा चक्र कहां पर है। है यहां से दिव्य प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है। विज्ञान को इस तरह से समझना है। कोई भी तुम सिद्धांत तुम्हारे कान पर पड़े धर्म का, सीधा मान भी नहीं लेना है कि यह बात सच्ची होगी, और इनकार भी नहीं करना है। इस तरह से रहना है कि सच भी हो सकता है, ये मैंने सुना है लेकिन अभी मैंने जाना नहीं। इतनी समझ इसलिए जरूरी है कि परमात्मा प्रतिपल विकासमान, परमात्मा प्रतिपल विकासमान, ये जीवन प्रतिपल विकासमान। इसका अर्थ है जन्म से मृत्यु विकासमान है। अगर हम ठीक से जिएंगे, अगर हम ठीक से जिएंगे, मृत्यु का डर
मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप। ये निशानी है ठीक से जीने की। मृत्यु हमारे लिए दुखद घटना नहीं रहेगी, क्योंकि ये जीवन ठीक से समझा जाए तो महाजीवन की ओर बह रहा है, महाजीवन की ओर। हमारी अपेक्षा, हमारी धारणा, हमारी नासमझी के कारण हम जीवन के प्रवाह को समझ नहीं पाते। हम फरियाद में इतने डूब जाते हैं, हम फरियाद में जीवन की समस्याओं की फरियाद में हम इतने डूब जाते हैं कि हर समस्या के पीछे खड़ा हुआ परमात्मा का अनुभव हमारे हाथ से चूक जाते हैं। हम जीवन की जितनी भी समस्या है ठीक से उसका उपयोग कर किया जाए, ठीक से उपयोग किया जाए तो ये सीढ़ी है, परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। जैसे जैसे हम जीवन की समस्याओं में से निकलते हैं, परिपूर्णता से निकलते हैं, पूरी तरह से बिना भागे, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। एक समस्या में से अगर तुम ठीक से निकले हो, दूसरी समस्या में तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि नहीं, आगे की भी समस्या थी, अनेक प्रश्न थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से इस समस्या सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, कितने क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं समस्या, और फिर जब पार होती है, अपने आप हो जाती है, तुम देखना समस्या, क्योंकि ये जीवन प्रतिपल बहता ही जा रहा है, प्रतिपल सांस उच्छ्वास के साथ तुम्हें पता चलता है, प्रतिपल नई सांस, पुरानी उच्छ्वास के साथ पुराना जीवन समाप्त। हम किस तरह से, कितनी प्रगाढ़ता के साथ जीवन को समझते हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। प्रातःकाल का समय, ये सिद्धांत, ये थियरी, और धर्म का अर्थ केवल सिद्धांत नहीं, 1% ओनली सिद्धांत। इसके बाद प्रायोगिक का विषय है गायन, बांसुरी, बांसुरी तुमने सुनी, मंगल आवाज, और रात को भी सुनाऊंगा तुम्हें, गायन, बांसुरी और परमात्मा। प्रैक्टिकल वर्क, सबसे पहले हमिंग ओंकार, एक हमिंग ओंकार एक आवर्तन, पहले 3 हमिंग ओंकार खरच के, जितनी नीचे आवाज प्रकट होती है उतनी नीचे आवाज में हमिंग ओंकार का प्रागट्य। मैं आपके साथ, आंख को बंद कर दे, रीढ़ सीधे रखे, गले को साफ करे, थूक गले में निकाले, आगे जो पृथ्वी का वातावरण बन रहा है इसमें गले का सूखा रहना अवैज्ञानिक, आपकी इम्यूनिटी पावर का बढ़ना इसका संबंध है, थूक का गले में निकालना, गला गीला करना ताकि बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन असंभव। पहले 3 आवर्तन हमिंग ओंकार के खरच सप्तक में नीची आवाज में आपके साथ,
आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच, और थूक को निकाले गले में, गला साफ करें। प्रातः काल में कफ के पार्टिकल्स गले में रहना अवैज्ञानिक। प्रवेश करेंगे मध्यम सप्तक के पांच हमिंग ओंकार पांच आवर्तन मेरे साथ। मध्यम आवृत्ति की आवाज, जितना हमिंग आप लंबा सकते हो, ओंकार लंबा सकते हो, प्रयत्न करें। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, डायरिया, डिसेंट्री, लॉस ऑफ हंगर, सारी की सारी तकलीफ थूक निकालने से हल हो सकती है, अनुभव करो। शरीर का इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, इसका अक्सर इलाज थूक का निकालना गले में, अनुभव करो।
ध्यान केंद्रित करो आज्ञा चक्र दो भ्रमर के बीच। अगर आपका ध्यान ठीक से आज्ञा चक्र पर स्थिर है, इसकी निशानी है, आपकी आंखों का फलक पर्दा साफ दिखाई देगा, विचार का उद्भव संभव नहीं है। जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान आज्ञा चक्र से संपर्क बनाना, अर्थात समाधान को प्राप्त करना, अर्थात समाधि में प्रविष्ट होना। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, निशानी है ठीक से आपका ध्यान स्थिर है, आप विचार नहीं पाओगे अपने भीतर, प्रकाश पाओगे। हम एक ओंकार के तीसरे भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसे कहा जाता है तार सप्तक के हमिंग ओंकार। तार सप्तक का अर्थ है जितनी ऊपर की आवाज से हमिंग ओंकार हम प्रकट कर सकते हैं करना है, जिसका असर होता है ज्योतिर्मय जगत के साथ जुड़े हुए शरीर के साथ, अर्थात आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, शिव बिंदु, जिसका संबंध हमारे कपाल और मस्तिष्क के साथ है। अनुभव करो मेरे साथ। जो प्रक्रिया मैं तुम्हें करवा रहा हूं, इसका हेतु है भीतर की समृद्धि से परिचय बनाना। जैसे जैसे तुम प्रक्रिया में से निकलोगे, अपने को हल्के फुल्के पाओगे, अनुभव करो भीतर से समृद्ध, भीतर की समृद्धि को जानना है, पहचानना है, जीवन का अवसर खोना नहीं है। आगे की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ठीक से समझे, हम 11 आवर्तन करेंगे। आप मेरे साथ रहना, मुझसे आगे जाने की कोशिश मत करना, इसलिए कि पहले आप मंत्र का जाप ठीक से समझ लो, इसका उच्चारण किस तरह से करना है। केवल 11
अर्थ भी समझ ले। ओंकार का अर्थ है आत्मा का नाथ, अविरत प्रकट रहता है, इसका शाब्दिक स्वरूप ओम। नमः का अर्थ है नमस्कार, हम नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? शिवाय। शिवाय का अर्थ है स्थिति, कल्याणमय स्थिति। कल्याण का अर्थ है, कल्याणमय स्थिति का अर्थ है, ना तो इसका आधार कोई व्यक्ति है ना कोई परिस्थिति है, ये स्वयं में तृप्त, स्वयं में संतृप्ति, स्वयं में समाधान। नो डिमांड, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, इस स्थिति को कहा जाता है शिवाय। इस पृथ्वी पर आज तक जिसने ये स्थिति प्राप्त की, उन सबको, आज जो ये स्थिति पर पहुंच गए हैं उन सबको, और भविष्य में पहुंचेंगे उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय जाप से मेरे साथ 11 आवर्तन। ओ ले लो। ये सुरक्षा कवच है मंत्र की शक्ति का। मंत्र का उच्चारण और मंत्र का श्रवण मन की शक्ति को विलीन करता है, इसलिए इसमें रिपीटेशन है। मन का अर्थ है पुनरावर्तन, पुनरावर्तन की शक्ति का विधायत्मक उपयोग अर्थात मंत्र का उच्चारण। दूसरे जाप में प्रवेश करेंगे जिसे कहा जाता है महामृत्युंजय जाप। ये प्रार्थना है, त्रिनेत्र की शक्ति को प्रार्थना है। इस तरह से मंत्र है, ओम त्र्यंबकम। त्र्यंबकम का अर्थ है त्रिनेत्र। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्रिनेत्र की शक्ति को प्रार्थना है कि हमारा जो शेष जीवन की संभावना है इस पृथ्वी पर, वो हमारा जीवन सुगंधित हो, आनंद उल्लास शांति संतोष प्रसन्नता निश्चितता, ये सुगंध है जीवन की, इससे हमारा जीवन पुलकित हो। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। हमारा जीव जो बंधन में है, कौन सा बंधन? शरीर का, शरीर संबंधित अपेक्षाओं का, इससे हम मुक्त हो। जो शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है उससे हमारी मुक्ति हो,
और जो ज्योतिर्मय जगत है, जो अमृत है जीवन का, उससे हमारा संबंध हो। ये प्रार्थना है, काव्यात्मक प्रार्थना। हम इसके साथ आवर्तन करेंगे। इसका राग है बैरागी, बहुत पवित्र राग। इसका गाना और सुनना दोनों हमारे अंतर जगत की पवित्रता को बढ़ाते हैं। अनुभव करो। सातवें आवर्तन में आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, नमस्कार, वंदन की मुद्रा धारण करें और मंत्र दरमियान, जाप के उच्चारण के दरमियान आप धारण करें ज्ञान मुद्रा। मैं आपके समक्ष दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा और दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखें। हम प्रवेश कर रहे हैं ओम त्र्यंबकम जाप में। जब ये सात आवर्तन समाप्त होंगे, हम प्रविष्ट होंगे पांच आवर्तन अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। मृत्यु मा अमृतगमय, जो जीवन की यात्रा मृत्युमय है उससे हमारी यात्रा अमृत की ओर बहो, ज्योतिर्मय जगत की ओर बहो। ये भी प्रार्थना है। इसमें भी पांचवें आवर्तन में आप नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा धारण कर सकते हो छाती के मध्य केंद्र के पास, अगर स्मरण रहे। प्रविष्ट होते हैं जाप में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा मृत्योर्मा अमृतं गमय।
सतो